राष्ट्रीय वन नीति और वन अधिकार अधिनियम सन 2006। पिछले 150 वर्षों से आदिवासी विभिन्न तरीकों से संघर्ष करके जंगल पर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। इन संघर्षों के फलस्वरूप सन 1988 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। इस नीति में माना गया कि वनों के संरक्षण और विकास में आदिवासियों और ग्राम समुदायों की अहम भूमिका होगी। उसके अनुसार वनों का उपयोग इस तरह करना होगा जिससे वनों के आसपास रहने वालों को रोजगार मिले। इस नीति ने यह भी स्वीकारा कि आदिवासी और अन्य वनाश्रित समुदायों को अपनी जरूरतों के लिए वनों का उपयोग करने का अधिकार है। इस नीति के तहत संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाए गए, जिनके अंतर्गत आदिवासियों को जंगल से चारा, जलाऊ लकड़ी व लघु वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार मिला और वन विभाग के तहत रोजगार भी मिला। लेकिन साथ साथ उन पर दबाव बनने लगा कि वे खेतिहर जमीन पर अपना अधिकार छोड़ दें ताकि वहां पेड़ उगाए जाएं। इसी समय देश के विभिन्न हिस्सों में बाघ को बचाने के लिए बाघ अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए, जिससे लाखों आदिवासी बेदखल हुए। इस बीच देश भर में आदिवासियों की बढ़ती बदहाली पर चिंता होने लगी और सन 2006 में संसद ने लंबे विचार और वाद विवाद के बाद वन अधिकार अधिनियम सन 2006 पारित किया। इस अधिनियम ने पहली बार यह स्वीकार किया कि पिछले 200 वर्षों में आदिवासियों को उनके अपने वनों पर पारंपरिक अधिकारों को न मानकर उनके साथ अन्याय किया है। यह भी स्वीकार किया गया कि वनों का संरक्षण या विकास आदिवासियों के अधिकारों की बहाली के बगैर संभव नहीं है। इस कानून के द्वारा आदिवासियों व जंगल के अन्य पारंपरिक उपभोक्ताओं को वनों पर उनके पारंपरिक अधिकार और जिस भूमि पर वे खेती कर रहे थे उन पर उनका स्वामित्व दिया गया। अगर इस कानून का सही तरह से अमल हो तो आदिवासियों व वनों पर आश्रित अन्य लोगों पर सदियों से किए गए अन्याय की समाप्ति हो सकेगी। इस कानून के बनने के समय कई लोग जो वन संरक्षण के पक्षधर थे उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ लोग अपने अधिकारों का घरेलू उपयोग की जगह व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे वनों के और तेजी से कटने की संभावना हो सकती है। इसके विपरीत अन्य लोगों का मानना था कि आदिवासी जो सदियों से वनों की रक्षा करते आ रहे हैं उनके अधिकार सुरक्षित होने से वे जंगलों की रक्षा हमसे बेहतर कर सकते हैं।